लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के भी अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर पहुंचे। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ने हर बार भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है, पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम ने बजरंग बली के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि एकजुटता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है, और अब भी राजस्थान को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुलकर के राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।